हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे। तो जैसे कि मैं बता दूं आज आपको कि आज हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर, आज अपनी R15 की सर्विस कराएंगे, क्योंकि बहुत दिन से ड्यू चल रही थी, तो बहुत टाइम से ओवर भी चल चुकी है। तो आज मैं आपको वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा कि हमारा सर्विस कॉस्ट कितना बैठता है R15 का। तो मैं चलता हूं, सीधा मिलता हूं आपसे सर्विस सेंटर, और एक एक चीज़ बताएंगे डिटेलिंग में कि उसमें क्या क्या चीज़ पड़ती है एक सर्विस में। और अभी मेरी बाइक में डिस्पैट तो पड़ रखे हैं, क्योंकि इससे पहले वाली सर्विस में मैंने डिस्पैट पड़वाए थे, तो डिस्पैट का खर्चा अलग हटा के उसके बाद बताएंगे कि उसमें कितना खर्चा आता है एक सर्विस में। बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भाई सर्विस कितने की होती है इसकी, या कितना खर्चा आ जाता है एक सर्विस पे। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है। तो मैं मिलता हूँ सीधा आपसे सर्विस सेंटर। तो भाई मैं सर्विस सेंटर आ चुका हूँ, और देख रहा हूँ अपनी बाइक खुल चुकी है, पूरी बाइक खुल गई है। और अभी इसमें इसका एयर फिल्टर तो भाई पूरा ही ख़राब हो गया, क्योंकि पिछली वाली सर्विस पे एयर फिल्टर पड़ा नहीं था, तो इसका एयर फिल्टर पूरा ख़राब हो चुका है। एयर फिल्टर भी पड़ेगा। एयर फिल्टर है काम का या नहीं? ख़त्म, पूरा ख़त्म भाई, मोटा खर्चा भाई। अपनी बाइक ना थोड़ी ओवर चल गई थी ना, तो देख रहे हो भाई मोबी लाइट पूरा काला पड़ चुका है यार, बहुत ज़्यादा ओवर चल गई थी थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से। मैं सर्विस सेंटर नहीं आ पाया था, तो देखते हैं अब क्या क्या पड़ता है इसमें यार, बहुत दिन से सर्विस भी नहीं कराई है, खर्चा तो होना ही है मोटा भाई। तो भाई देख रहे हो एयर फिल्टर आ चुका है अपना, और ये अभी पड़ने वाला है इसमें, और ये देखते हैं सामान क्या क्या पड़ेगा इसमें। तो और एयर फिल्टर तो भाई आ चुका है, ये यहाँ पर लगता है, और बाकी ये यामाहा का ऑयल है जो यामाहा कंपनी तरफ से आता है, ये वाला ऑयल पड़ेगा इसमें। ये कितने लीटर का होता है भाई? भाई बड़े भाई ये कितने लीटर का होता है? एक लीटर का। तो भाई एक लीटर का, एक ही लीटर पड़ता है ना इसमें, ओवर थोड़ी ना पड़ता है, एक लीटर का ये होता है। तो ये उसमें अभी पड़ने वाला है ये भी, और ये ऑयल फिल्टर है ना, ये ऑयल फिल्टर है। तो भाई मैं आपको एक या दो बात बता दूं ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर के बारे में। एयर फिल्टर जो है भाई वो एक सर्विस के बाद ही चेंज होता है, एक सर्विस आप चला लोगे उसके बाद चेंज होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर एयर फिल्टर आपका साफ़ है और टाइम टू टाइम सर्विस करा रहे हो ना। तो एक सर्विस छोड़ के आप एयर फिल्टर चेंज करा सकते हो, पर ऑयल फिल्टर है ना भाई, ऑयल फिल्टर हर सर्विस में आपको चेंज कराना है, 100-200 रुपये नहीं देखने हैं, ताकि ये भाई बहुत दिक्कत देता है आगे चल के इंजन में। तो भाई ये है ऑयल फिल्टर की रबड़, और जो अपनी ख़राब हो चुकी है, ये छोटी सी चीज़ भाई 55 रुपए की है, इतनी सी। तो भाई अपनी बाइक की सर्विस हो चुकी है पूरी कंप्लीट, और अभी इसका बिल बनेगा। तो वो बैठे हैं अपने डॉल भाई, और बाइक खुल के भाई कसी भी जा रही है पूरी, और अभी इसका अभी इसका बिल बनेगा, फिर पता चलेगा भाई कितना मोटा खर्चा हुआ है। तो भाई देख रहे हो डॉल भाई अपनी गाड़ी पे बहुत ज़्यादा मेहनत पे लगे हुए हैं, डॉल भाई मज़ा। तो अपनी वो चलिए अपनी हो रही है भाई चैन लूप, और डॉल भाई लगे हुए हैं पूरी मेहनत पे। तो भाई बाइक की हो चुकी है सर्विस, और सर्विस जो कॉस्ट बैठा है ना वो 1800 रुपये का बैठा है भाई। क्या क्या चीज़ पड़ी हैं और क्या क्या पड़ी उसमें, क्या क्या चीज़ पड़ी हैं भाई, सारा कुछ मैं उसमें डाल दूँगा, लिस्ट डाल दूँगा उसमें। मैं वैसे भी बता देता हूँ आपको, उसमें पड़ा है भाई ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, और मोबिल ऑयल, और एक दो बोल्ट पड़े हैं, और चैन स्प्रे वगैरह लगा के भाई 1800 रुपये का जो है वो हमारा चार्ज बैठा है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा सोच के आया था, मैं ये सोच रहा था भाई कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का बैठेगा मामला जो भी है, पर नहीं यार बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ पर, और जो इनका सर्विस चार्ज है ना वो 450 रुपये है। और भाई वहाँ पर मरेली वगैरह जाते हैं ना, तो वहाँ 600 रुपये लेते हैं भाई, तो मेरा तो भाई बहुत सस्ते मैंने पड़ गया, ज़्यादा मोटा खर्चा हुआ नहीं। तो सर्विस हो चुकी है, और अब बाइक उठाते हैं और निकलते हैं अब यहाँ से, और चेक करते हैं कि कैसी चल रही है भाई। स्मूथ साउंड तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें ओवर चलने के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ